बिना कोई कंटेंट लिखे और मिनिमम एसईओ के साथ अगर आप सभी लोग महीने के 500 से 1000 डॉलर कमाना चाहते हो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज की टूल वेबसाइट को बनाकर, तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग डेफिनेटली बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक देखें। इस वीडियो में आप सभी लोग को डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी लोग अपनी खुद की एक सिंगल पेज की फैंसी टेक्स्ट जनरेटर की टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट blogger.com पर। और साथ ही साथ ये भी आप सभी लोग को बताऊंगा कि जो सिंगल पेज की टूल वेबसाइट आप क्रिएट करोगे उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना टाइम लगेगा। साथ ही साथ सारी डिटेल मैंने यहां पर एक्सप्लोर करके रख रखी है, यानी कि केस स्टडी में आप सभी लोग को समझाऊंगा, उसके बाद कीवर्ड्स आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स है, कितना यहां पर ट्रैफिक है, और बाद में ये भी आप सभी लोग को बताऊंगा कि इस साइट को रैंक करवाने में क्या क्या डिफिकल्टी आपको पड़ेगी, कितनी बैकलिंक्स आप सभी लोग को बनानी पड़ेगी। तो कंप्लीट वीडियो आप सभी लोग देखते रहना, और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं, तो मेक श्योर कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, रिसेंटली मैंने मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को बताया था कि आप YouTube थंबनेल डाउनलोडर का टूल कैसे क्रिएट कर सकते हो ब्लॉगर पर। वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें आप सभी लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी कि इसको हम सिंगल पेज में कैसे कन्वर्ट करें या फिर सिंगल पेज की वेबसाइट कैसे बनाए, इस पर आप वीडियो बनाकर बताओ। तो उस प्रोजेक्ट पर मैं अभी वर्क कर रहा हूं, जैसे कंप्लीट होगा आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक और डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, डिटेल में बताऊंगा कि वो टूल आप सभी लोग को कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको रैंक करना है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलेगा, सारी डिटेल बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता देता हूं कि इस वीडियो में हम सभी लोग क्या क्या चीजें एनालाइज करने वाले हैं। तो जो हमारा फैंसी टेक्स्ट जनरेटर टूल है उसकी केस स्टडीज में आप सभी लोग को बताऊंगा, कीवर्ड्स आप सभी लोग के साथ शेयर करूंगा, और उन पर आप सभी लोग को रैंक कैसे करना है, उनकी डिफिकल्टी कितनी है, वो सारी चीजें मैं आप सभी लोग को यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो वीडियो कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि मेरी वीडियोस देखकर आप सभी लोग टूल तो क्रिएट कर लोगे, लेकिन अगर वो टूल गूगल में रैंक नहीं करेगा तो ना गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिलेगा और ना ही आप सभी लोग अर्निंग कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये टूल आपको क्रिएट कैसे करना है। लेकिन वीडियो में मैं जो टूल आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं उसका ओवरव्यू यानी कि प्रीव्यू आप सभी लोग के साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद बताऊंगा कि इस टूल को बनाने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप सभी लोग को मतलब क्या क्या चीजें मतलब करनी पड़ेगी तब ये टूल यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो चले सबसे पहले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, वो है केस स्टडी। तो केस स्टडीज में आप सभी लोग को बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो एक मेरे पास कीवर्ड्स है, कीवर्ड मैंने यहां पर टाइप किया फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, तो यहां पर गूगल से हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर टॉप थ्री जो साइट्स रैंक कर रही है उनको हम सभी लोग एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो आप सभी लोग देख सकते हो, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। जिनको आइडिया नहीं है मैं आप सभी लोग को बता देता हूं, यहां पर अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो भाई अलग अलग के फैंसी तरह के टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। यही फैंसी टेक्स्ट जनरेटर टूल है, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम में बायो में अलग अलग तरह के ऐसे मतलब टेक्स्ट दिख जाते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं वेबसाइट्स का यूज करते हैं। तो ये जो पहली वेबसाइट जो कि फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है, इसका अगर मैं ट्रैफिक क्या को चेक करके बताऊं तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो लगभग यहां पर 11 मिलियन तक का ट्रैफिक, यानी कि 11 मिलियन यूजर मंथली इस साइट पर विजिट करते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक सोर्स की मैं मतलब ट्रैफिक यहां कहां से आ रहा है वो बात करूं तो यहां पर देख सकते हो यूएस, यूके, कनाडा, ऐसी साइट से ट्रैफिक आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना अर्न कर रहा होगा, गूगल एडसेंस के एडवर्टाइजमेंट इसने लगा रखे है, ठीक है। आप यहां पर एनालाइज कर सकते हो। और अगर ट्रैफिक सोर्स की हम बात करें तो यहां पर देख सकते हो सर्च से जो 71% ट्रैफिक आ रहा है वो सारा का सारा सर्च से आ रहा है, बाकी रेफरल और डायरेक्ट से आ रहा है, ठीक है। इसी के मुकाबले हमारी जो सेकंड जो साइड है वो ये साइड है, ठीक है। इस पे आप सभी लोग देख सकते हो 7 मिलियन तक का ट्रैफिक है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो उस पे इंडिया से भी ट्रैफिक आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट से भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और फिलीपींस से भी ट्रैफिक आ रहा है। इसकी अगर हम सर्च की बात करें तो आप सभी लोग देख सकते हो जो मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है वो यहां पर आ रहा है सर्च रिजल्ट से, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो कितना ज्यादा ये बंदे अर्न कर रहे हैं। अब यहां पर देखो और भी साइट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे टूल का प्रीव्यू मैं आप सभी लोग को बता देता हूं कि वो कैसे वर्क करेगा। इस टूल का आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो अब जो हमारा टूल है वो आप सभी लोग देख सकते हो ऐसा एक सिंपल सा इंटरफेस है इस टूल का। नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे कॉपीराइट एरिया, ये सारी चीजें। अब यहां पर जो भी यूजर आएंगे आप जहां पर भी जाओ एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो। मैं आपको स्पेस दे दूंगा, जस्ट बताता हूं। जैसे यहां पर मैं अपना नाम लिखूंगा तो सारे के सारे अलग अलग फैंसी तरह के टेक्स्ट आ जाएंगे, आप सभी लोग देख सकते हो। जिस भी यूजर को जो टेक्स्ट चाहिएगा कॉपी के सेक्शन पर क्लिक करेगा तो उसका जो टेक्स्ट है
वो कॉपी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टूल है। अब भाई अभी वीडियो को लाइक कर दो अगर ये टूल आप सभी लोग को चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब कब आएगी आप जल्दी से जल्दी लाइक करोगे उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे, देखो पूरा देख लेना कि डिफिकल्टी कितनी पड़ेगी, रैंक कैसे करना है, क्योंकि एक वीडियो देख लोगे सारे आपके मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी यहाँ पर जो थर्ड वाली साइड है जो कि टॉप पोजिशन पर रैंक कर रही है वो ये है, ठीक है, fancytextguru.com। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इसकी कंट्री रैंक, आप सभी लोग देख सकते हो। ट्रैफिक की बात करें तो ये ट्रैफिक क्योंकि थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर रैंक कर रही है तो 4 लाख के अराउंड यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। और कहां से आ रहा है तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो ये चीजें सर्च की जाती है वो यूएस में की जाती है। तो अगर आप यहां पर कुछ भी करके अगर यहां पर 1-1.5 लाख का ट्रैफिक भी ले आते हो अपनी साइट पर तो इजीली आप सभी लोग $500 से $1000 छाप पाओगे महीने का, कहीं भी नहीं गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर यूएस से हमें काफी ज्यादा सीपीसी मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर इससे बात कर तो जितना भी मेन ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है सर्च रिजल्ट से, जो कि आप सभी लोग यहां पर देख ही सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आप सभी लोग को यहां पर कुछ कीवर्ड शेयर करता हूं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो तो ये हमारे सारे के सारे मेन कीवर्ड है जिसको मैंने खुद एनालाइज करके निकाल रखा है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स मैं इसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन ये जो मेन कीवर्ड्स आप सभी लोग को दिख रहे हैं इन सारे कीवर्ड्स को हम इस जो हमारी टूल वेबसाइट है इसमें इंबेंड करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी रैंक करें। वो कैसे करेंगे आने वाली वीडियोस में आप सभी लोग को पता चल जाएगा। तो यहां पर इन सारे कीवर्ड्स के आप सभी लोग मैन्युअली ट्रैफिक चेक कर सकते हो, सारे कीवर्ड्स पर अच्छा खासा ट्रैफिक है, ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस कीवर्ड रहेगा वो फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, फैंसी फॉन्ट जनरेटर, ये हमारा टेक्स्ट मतलब कीवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड की लिस्ट भी आप सभी लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग इनको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके मतलब जो है डिफिकल्टी के बारे में कि आपको इस कीवर्ड पर या फिर जो भी ये पूरी लिस्ट है इनमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स पर आपको रैंक करने के लिए मतलब कितनी डिफिकल्टी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और बाद में एडसेंस अप्रूवल की बात भी करेंगे। तो ये कीवर्ड है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, इन पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है। तो एक-एक वेबसाइट को मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं। जस्ट लाइक यहां से जो पहली वेबसाइट इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करते हैं और इसकी हम बैकलिंक्स चेक करते हैं कि इसने टॉप पोजीशन पर रैंक करने के लिए कितनी बैकलिंक्स यहां पर बनी है। तो चेक बैकलिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो मेन वेबसाइट है जो कि टॉप पोजीशन पर रैंक कर रही है इसकी बैकलिंक्स आप सभी लोग देख सकते हो। तो ये चीज कोई मैटर नहीं करती, मैटर करता है रेफरिंग डोमेन जो कि इसने 505 डोमेन से ये सारी बैकलिंक्स को क्रिएट कर रखा है, जिसमें भी आप सभी लोग देख सकते हो 49% ही डू फॉलो है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग 300 डोमेन से 100% डू फॉलो बैकलिंक ले लेते हो तो इस कीवर्ड्स पर और ये जितने भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं इन सारे कीवर्ड्स पर आप टॉप पोजीशन पर रैंक कर जाओगे। बैकलिंक्स कैसे बनानी है वो भी मैं आप सभी लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहली वेबसाइट थी क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बैकलिंक्स बना रखी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की, तो जो कि ये है, ठीक है, इसके लिंक को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहां पर एनालाइज करते हैं कि इस बंदे ने भाई कितनी यहां पर बैकलिंक्स को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया था कि अगर 200-300 मतलब रेफरिंग डोमेन से आप सभी लोग बैकलिंक्स ले लोगे तो इजीली रैंक कर जाओगे, और इस बंदे ने भी यही कर रखा है। देखो यहाँ पर 362 डोमेन से इसने बैकलिंक ली है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी डोमेन रेटिंग और ये सारी रेटिंग हाई हो गई है, ठीक है। बैकलिंक्स बनाते तो ये हाई होती जाती है और इसमें भी 54% ही डू फॉलो है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप 300 बैकलिंक्स 100% डू फॉलो बना लेते तो रैंक कर जाओगे। अब हम यहाँ पर जो टॉप पोजिशन पर रैंक करिए उनको नहीं एनालाइज करेंगे, जो लास्ट में जो बंदा रैंक कर रहा है भाई उसको हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, जो कि ये है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सारी वेबसाइट को मैंने विजिट करके इनको एनालाइज किया है, क्योंकि ये नीश जो है काफी बढ़िया नीश है, बहुत कम बैकलिंक्स है, ठीक है, ये इससे भी ज्यादा कभी बार 1000-1000 डोमेन से भी बैकलिंक्स लेनी पड़ती है। जस्ट इसको भी मैं यहां पर चेक करता हूं जो कि लास्ट में रैंक कर रहा है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो गाइज यहां पर अभी आप सभी लोग देख सकते हो ये जो बंदा है जो कि टॉप 10 पोजीशन पर रैंक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 15 बैकलिंक्स बनी है, जिसमें 13% ही डू फॉलो है, ठीक है। और ये भाई इस यहां पर कीवर्ड पर टॉप 10 पोजीशन पर रैंक कर रहा है। तो आप सभी लोग समझ सकते हो कि भाई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है यहां पर डिफिकल्टी, इजिली अगर आप सभी लोग 100 बैकलिंक्स भी यानी कि 100 डोमेन से बैकलिंक्स ले लेते हो तो गूगल के टॉप 10 पोजीशन पर आ जाओगे और आपकी साइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाएगा, ठीक है। तो अब टूल कैसे क्रिएट करना है आप पर डिपेंड है, जल्दी से जल्दी वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि मैं मोटिवेटेड हो जाऊं और आपको ये टूल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूं। आप सभी लोग यहां पर मार्केट में इस टूल को अगर परचेस करने जाओगे 4-5 हजार रुपए आपके लग जाएंगे, ठीक है, और फिर भी आपको आप जो है इसको सही से एडिट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं कि आपको जो है यहां पर क्या क्या है मतलब इसको मतलब बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, ठीक है। तो जस्ट इसको मैं यहां से कलर जो है इसका व्हाइट कर देता हूं। तो रिक्वायरमेंट यहां पर कुछ भी नहीं है, आप सभी लोग चाहो तो आप फ्री ब्लॉग
HubSpot.com पर बना सकते हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो तो रैंकिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी, आप एक पेड डोमेन को परचेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर होस्टिंग फ्री है क्योंकि हम ब्लॉगर पर ही इस टूल को क्रिएट करेंगे, तो रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो गाइस ये था वीडियो, होप आप सभी लोग को सही से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर टूल बनाना चाहते हो तो हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आने वाली वीडियो में, जल्दी से जल्दी लाइक करना ताकि मैं टूल आप सभी लोग के लिए प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।